एसीबी ने बीकानेर में बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को केसीसी के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बच्चू शाखा के मैनेजर अमरजीत ने केसीसी के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत ली थी और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में इस कार्रवाई को एसीबी की टीम अंजाम दे रही है और आरोपी मैनेजर को वहीं लाया गया। एसीबी की टीम ने अब आरोपी मैनेजर के घर की भी तलाशी शुरू कर दी और वहां भी एसीबी की कार्रवाई जारी है। राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर को धमकी दी है। बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेजकर उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। धमकी भरा पत्र मिलने से परेशान ट्रांसपोर्टर ने मंगलवार रात को मुहाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुहाना थाना अधिकारी लाखन सिंह खटाना ने बताया कि बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पत्रकार कॉलोनी रहेजा टावर निवासी ट्रांसपोर्टर मदन जैन अपार्टमेंट के सामने ही एक प्लॉट पर अपना मकान बनवा रहे हैं। मंगलवार सुबह उनका बेटा प्रशांत जैन साइट पर काम देखने के लिए गया। इसी दौरान सुबह 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति निर्माणाधीन मकान के बाहर पहुंचा और प्रशांत के हाथ में एक लिफाफा थमाकर चला गया। लिफाफा खोलकर देखा तो उसके अंदर से दो राखी, एक जिंदा कारतूस और लाल पेन से लिखी धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से 30 लाख रुपए फिरौती मांगी है। डोईवाला कोतवाली अंतर्गत लाल तप्पड़ क्षेत्र में फनवेदी के पास दिल्ली से देहरादून आ रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में 15 यात्री सवार थे और हादसे में 4 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें से 2 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल यात्रियों को 108 की मदद से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। वहीं हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। लाल तप्पड़ चौकी इंचार्ज विकेंद्र कुमार ने बताया कि बस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने बस में फंसे यात्रियों को तत्काल बाहर निकाला और घायलों को 108 की मदद से ऋषिकेश एम्स भेजा। घायलों में टेहरी गढ़वाल निवासी सारिका नेकी, देहरादून निवासी मनीषा रावत, राजस्थान निवासी अभिजीत को 108 की मदद से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। वहीं देहरादून के राजपुर रोड की रहने वाली शिखा को मामूली चोटें आई हैं। राहुल गांधी का अलवर दौरा रद्द हो गया है। प्रियंका गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राहुल गांधी ने अलवर के तिजारा का दौरा रद्द कर दिया। तिजारा के जैन मंदिर की धर्मशाला में कांग्रेस का शिविर चल रहा है। इस शिविर का बुधवार को समापन होना था। समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी को आना था। वो दिल्ली से सड़क मार्ग से तिजारा सुबह 11:30 पर पहुँचने का कार्यक्रम था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नेता व कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी तिजारा पहुंच भी गए थे और मंगलवार शाम से राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटे हुए थे। गौरतलब है कि बुधवार को इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शामिल होने थे व दिल्ली के सड़क मार्ग के रास्ते तिजारा पहुंचने वाले थे। राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली थी। हालांकि तिजारा में जिले के अलावा प्रदेश स्तरीय कांग्रेस नेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी तमाम नेताओं का अलवर में पहुंचने का सिलसिला जारी था। प्रदेश के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुधवार को अलवर में ही हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस की कार्य योजना और पार्टी के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। इस दौरान कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर तैयार रहने के लिए कहा। इस दौरान अजय माकन भी मौजूद रहे। मंगलवार को इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार मेगा प्लान की तैयारी में जुट गई है। चुनावी साल में बड़े स्तर पर लोक लुभावन घोषणाओं के लिए अभी से गोपनीय तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। दिसंबर में सरकार की चौथी वर्षगांठ से लेकर फरवरी में सरकार के आखिरी बजट तक में बड़े स्तर पर लोक लुभावन घोषणाएं की जाएंगी। अभी से उनका खाका तैयार किया जा रहा है। नेताओं और अफसरों की कोर टीम को इस काम में लगा दिया गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 15 महीने बचे
हैं। ऐसे में चुनावी साल में जाने से पहले गहलोत सरकार व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर जोर दे रही है। व्यक्तिगत लाभ योजनाओं से वोटर सीधा जुड़ा होता है और इससे सरकार को लेकर प्रशिक्षित बनता है। इसी का फायदा उठाने के लिए सीधे लाभ पहुँचाने वाली योजना कार्यक्रमों पर फोकस किया जा रहा है। खाटू श्याम जी में मची भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत के बाद सरकार गंभीर नजर आ रही है। घटना के दिन खाटू श्याम जी थाना अधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड करने के बाद अब दाता रामगढ़ SDM राजेश कुमार मीणा और रिंगस CO सुरेंद्र सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया। मंगलवार देर रात कार्मिक विभाग और पुलिस विभाग ने दोनों के सस्पेंड ऑर्डर जारी किए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया कि राजेश कुमार मीणा उपखंड अधिकारी दाता रामगढ़ के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित है। ऐसे में राजस्थान सिविल सेवा नियम 158 में राज्य सरकार राजेश कुमार मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित करती है। इससे निलंबन काल में राजेश मीणा का मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिव जयपुर के कार्यालय में रहेगा। अक्षय पात्र मंदिर के बाहर फोटो खिंचवाने के दौरान पत्थर का बोर्ड गिरने से युवक की मौत हो गई। युवक दोस्तों के साथ मंदिर दर्शन करने गया था। लौटते वक्त दोस्त मंदिर के बाहर लगे पत्थर के बोर्ड के पास फोटो खिंचवा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। घटना जयपुर के जगतपुरा में सोमवार की है। हादसे का लाइव वीडियो मंगलवार को सामने आया। पुलिस ने बताया कि मरने वाला बांदीकुई निवासी देवव्रत शुक्ला है। देवव्रत के दोस्त भूपेश ने बताया कि शनिवार को वो PF का पैसा निकालने के लिए जयपुर आए थे। PF ऑफिस बंद होने पर वो जयपुर में दोस्त के फ्लैट में रुक गए। को गोनेर में प्लॉट देखने के लिए निकले। रास्ते में देवव्रत ने ही अक्षय पात्र मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा। दर्शन के बाद सेल्फी लेने के लिए रुक गए। देवव्रत मंदिर के बाहर लगे पत्थर के बोर्ड के पिलर के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। इसी दौरान अचानक पिलर खिसक कर गिर गया और युवक के सिर से टकराता हुआ गिर गया। युवक पिलर के नीचे दब गया। उसके दोस्त ने उसे निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। जयपुर में एक 10वीं की छात्रा ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। बुधवार सुबह नव्या सहकल की लाश घर के पास ही बने सामुदायिक केंद्र में पड़ी मिली। सुबह मौके पर लाश देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सोडाला पुलिस ने FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया। पुलिस ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत से नव्या का मोबाइल और सैंडल भी बरामद किए। सोडाला थाना CI सतपाल ने बताया कि अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि रात करीब 1:30 बजे नव्या की अपने बड़े भाई से बात हुई थी। तब भाई ने मोबाइल छोड़कर सो जाने के लिए कहा था। उसके बाद भाई अपने रूम में चला गया। संभवतः देर रात नव्या छत पर पहुंची और छलांग लगा दी। सुबह लोग सामुदायिक केंद्र पहुंचे तो लाश पड़ी मिली। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने सरकारी बैंकों में PO के 6,432 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए 20 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। IBPS परीक्षा कैलेंडर 2022 के मुताबिक PO भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2022 में आयोजित की जाएगी। IBPS PO भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स को मेन्स एग्जाम्स के लिए बुलाया जाएगा। मेन्स एग्जाम का आयोजन नवंबर 2022 में होगा। राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने की वजह से आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उड़ीसा में बने एक सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में लगातार बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4 से 5 दिन तक दक्षिणी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के जिलों में बुधवार को भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। इस बीच जयपुर में बुधवार को सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बुधवार को आने वाले कुछ घंटों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़, कोटा, पाली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के अलावा हल्की बारिश होने का अनुमान है। We'll be right back.